शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिवाजी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित चाणक्य अकादमी भवन का लोकार्पण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान विश्वविद्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं और नियुक्तियों में हुई धांधली के मामलों को खुलकर बात की। इस विषय पर कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कई अहम बातें की। आइए आपको बताते हैं मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या कहा। जिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आज लगभग 7 करोड़ की लागत से चाणक्य अकेडमी ये नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है। मैं जिवाजी विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण को, सभी ईसी मेंबर को, सबको बधाई देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया काम अगर करना है, कदम बढ़ाना है, तो भवन की अत्यंत आवश्यकता होती है। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक अच्छा भवन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ के बाद मैं साइंस कॉलेज जाने वाला हूँ, साइंस कॉलेज में भी कुछ लोकार्पण के काम बाकी हैं। हमारा प्रयास है कि कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम लगातार अच्छा काम करते जाएँ, और वर्तमान के कोरोना के कष्ट के बावजूद भी मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपने गति में गतिमान है। आपकी जानकारी में होगा कि देश का पहला एकमात्र राज्य था जिसने परीक्षा अपने बलबूते पे कराई। हमारी परीक्षा पद्धति को कई राज्यों ने इसको फॉलो किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार और सुधार के ऐसे कई का काम हम करते जा रहे हैं। अक्सर विवादों की स्थिति रहती है, फर्जी अभी मार्कशीट आई है जो करीब 200-250 की संख्या में, ये अभी जांच ही चल रही है, अभी तक मेरे पास तो अभी जानकारी नहीं आई है, मैं उसको कलेक्ट करूंगा और आवश्यक स्टेप उठाऊंगा। फर्जी नियुक्तियों को भी लेके एक मामला चल रहा है यहाँ पर, जांच कर रहे हैं। एक बार मैं जानकारी में ले हूँ, आज मैं बैठने वाला हूँ, अपने मित्रों के साथ भी बैठूंगा, प्राध्यापकों से भी मिलने वाला हूँ। जो जो कठिनाइयाँ होगी, जो शिकायत होगी, जहाँ कोई ऐसा गलत कोई बात होगी, हम कठोर कार्रवाई करेंगे। निर्माण कार्यों को लेकर भी है यहाँ? हाँ, मेरी जानकारी में आया है, मेरे मित्रों ने कुछ बताया है, अब मैं उसकी जानकारी निकालने के लिए। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।